हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ जो सभी भर्तियों में उपयोगी होता है कि राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर आते हैं। इसलिए मैंने इसको देखते हुए जेल प्रहरी एग्जाम 2nd ग्रेड इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया है। इसमें मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। उसके बाद में जो 2011 के बाद में जो एग्ज़ाम हुई थी उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन भी इसके अंदर है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। और फटाफट आपको एक शानदार ट्रिक से ये सारे डिटेल बताऊँगा। सर्वप्रथम यहाँ देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं। तो आपको यहाँ देखना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जगह निवास करती है, जहाँ सबसे अच्छी सुविधा हो, जहाँ पर सब तरह की सुविधा हो, वहाँ पर क्या करती है जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करती है। एक राज्य की राजधानी हो तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या राजस्थान में कौन सी जगह, जयपुर में। उसके बाद जोधपुर, क्योंकि राज्य की राजधानी पहली जयपुर थी। एक बार जोधपुर को भी इसे राजधानी बनाने की मांग हुई थी, तो इस आधार पर आप इसे इस प्रकार देख सकते हैं कि जयपुर राज्य की राजधानी, दूसरी राजधानी जोधपुर है। अलवर, अलवर में क्यों सबसे ज़्यादा जनसंख्या, आपको पता ही NCR के अंदर आता है और इसमें उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, यानी यहाँ पर रोज़गार के बहुत ज़्यादा अवसर है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो आपको टॉप 3 तक याद करने हैं जेल प्रहरी, अगर आप जेल प्रहरी की एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर टीचर की दे रहे हैं तो 500 आपको याद करना होगा। तो याद करते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जयपुर की, उससे कम जोधपुर और अलवर, और चौथा पर नागौर, 500 पे उदयपुर। अब देखते हैं सबसे कम जनसंख्या। तो सबसे कम जनसंख्या उस ज़िले की रहती है जिसमें किसी तरह का विकास ना हो, असुविधाएं हो, पानी के पीने की प्रॉब्लम हो, जहां पर बिल्कुल कृषि के लिए उपयोगी भूमि नहीं हो, उस जगह सबसे कम जनसंख्या। अरे उसका एरिया हो कम, तो आपको पता है कि जैसलमेर का एरिया तो ज़्यादा है लेकिन एक बिल्कुल सुविधा नहीं है, पीने का शुद्ध पानी नहीं है, कृषि योग्य भूमि नहीं है, यानी टोटल रेगिस्तान ही रेगिस्तान। इसलिए सबसे कम जनसंख्या किस राज्य जिले की है, जैसलमेर की। फिर प्रतापगढ़ देखो, प्रतापगढ़ भी एक पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी में भी जनसंख्या ज़्यादा निवास नहीं कर सकती, और प्रतापगढ़ एक छोटा ज़िला भी है तो इसकी जनसंख्या भी कम है, यानी जैसलमेर के बाद जैसलमेर से थोड़ी सी ज़्यादा किसकी है, प्रतापगढ़ की, फिर सिरोही की, फिर बूंदी और राजसमंद। ओनली जो जेल प्रेरी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए 3 तक, ज़्यादातर आपको 3 तक याद करने हैं, और जो टीचर और RPSC के एग्ज़ाम देते हैं उनको 500 याद करने हैं। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले, बिल्कुल दिमाग को ट्रिक बिठा लो, जो पाकिस्तान की सीमा से सीमावर्ती जिले हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होती। क्या कारण है, क्योंकि पाकिस्तान से घुसपैठ राजस्थान में एंट्री कर लेते हैं, और सबसे नज़दीक ज़िला कौन सा पड़ता है उसी में वो आकर बसना शुरू हो जाते हैं। एक तो खुद ज़िले की जनसंख्या, उसके बाद बाहरी लोग आके वहाँ रहने लग गए, तो इससे क्या होता है वृद्धि दर सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किसकी है, बाड़मेर की 32.5, उससे कम है जैसलमेर की 31.8, फिर जोधपुर की 27.7। आपको अगर बाड़मेर भी याद है तो आपका इसमें काम चल सकता है। और उसके बाद हम देख सकते हैं बांसवाड़ा और जयपुर और जालौर। अब यहाँ देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले, यानी सबसे कम किस जिले में जनसंख्या वृद्धि हुआ था। तो दोस्तों आपको एक एक वाले पॉइंट तो बिल्कुल याद होने चाहिए, जैसे श्रीगंगानगर में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई थी, उसके बाद में झुंझुनू, फिर पाली। श्रीगंगानगर तो आपको याद होना ही चाहिए, अगर श्रीगंगानगर आपको याद है तो इसमें भी आपका काम चल जाएगा, बहुत कम चांस है कि ज़्यादा पूछते हैं। अब यहाँ देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले। आपको ये दिमाग में रखना है, जो आदिवासी वाले इलाके जो TSP के अंदर आते हैं उनमें सर्वाधिक लिंगानुपात है, जिसे आपको TSP याद रह जाएगा। तो TSP पता है, डूंगरपुर आता है, बांसवाड़ा आता है, राजसमंद आता है, उदयपुर आता है, इसी से आपका काम चल जाएगा। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस ज़िले का, डूंगरपुर का, उससे थोड़ा सा कम है राजसमंद का, फिर पाली का। तो अगर आपको डूंगरपुर भी याद है इसमें आपका जेल प्रहरी में काम चल जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले, न्यूनतम लिंगानुपात किसका, धौलपुर का, यह हमेशा धौलपुर का कम रहता है, यानी जो ज़िले UP से टच में
उनका लिंग अनुपात सबसे कम है। धौलपुर, उससे थोड़ा सा ज़्यादा जैसलमेर, फिर करौली, भरतपुर और श्री गंगा नगर। तो आपको अगर धौलपुर जैसलमेर याद है, इसमें आपका काम चल जाएगा। लेकिन टीचर वालों को पूरे 5 रटने पड़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन में डायरेक्ट 5 पूछ लेते हैं, इनका क्रम जमा है। लेकिन जो अदर एग्जाम होती है उसमें ये तो एक पूछेगा या दो पूछेगा। अब देखते हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले। लास्ट ईयर जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी, इसमें ये क्वेश्चन आया था, बिल्कुल कम में जमाना की सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा है। तो आपको बिल्कुल 500 को याद करना। तो कैसे याद करना, देखो जयपुर से भरतपुर जाना, भरतपुर से दौसा, फिर अलवर जाना, और उसके बाद में धौलपुर, यानी जो सारे ज़िले आपस में क्या हो रहे हैं, टच में हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व जयपुर का, सबको पता है जयपुर का सबसे ज़्यादा है। तो बहुत कम चांस है जयपुर पूछेगा, या तो पूछेगा इनका क्रम कि कौन सा दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे, या पूछेगा अगर 500 से ज़्यादा किसका जनगणना हुआ। तो 500 से ज़्यादा किसका है, जयपुर और भरतपुर का। सबसे ज़्यादा जनगणना जयपुर का, उससे कम भरतपुर का, फिर दौसा का, अलवर और धौलपुर। देखो सबसे कम जनघनत्व जिसकी जनसंख्या कम हो और उसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो, ऐसा जिला कौन सा है, जैसलमेर। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका, जैसलमेर का, उससे थोड़ा सा ज़्यादा किसका, बीकानेर का, फिर बाड़मेर, चूरू और जोधपुर। अब आपको 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले प्रतिशत की बात कर रहा हूँ, यानी उसकी जनसंख्या है ना, जैसे जैसलमेर की जनसंख्या है ना, उसमें 0 से 6 आयु वर्ग वाले सबसे ज़्यादा है। ऐसे मत सोचना कि जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ प्रतिशत आ रहा, प्रतिशत का मतलब है टोटल में कितना प्रतिशत है। तो 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले, यानी जैसलमेर का 19.5%, उसकी जो कुल जनसंख्या, जैसे मान के चलो अगर जैसलमेर की जनसंख्या 100 है तो उसमें से लगभग 20 तो बच्चे हैं। इसी प्रकार बाड़मेर, फिर बांसवाड़ा, 0 से 6 आयु वर्ग के न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। तो सबसे कम है श्रीगंगानगर, इसको कैसे याद करना, देखो श्रीगंगानगर में जितनी जनसंख्या है, यानी 100 जनसंख्या, उसमें से 13 ही बच्चे हैं, बाकी के जवान हैं। फिर कोटा, हनुमानगढ़, झुंझुन, चित्तौड़गढ़। अब यहाँ देखते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। देखो सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात, देखो पहले तो आया था ओवरऑल लिंगानुपात, तो वो तो डूंगरपुर का था, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें शिशु में बांसवाड़ा है, ओवरऑल में डूंगरपुर है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले, ओवरऑल में आपने देखा था धौलपुर की है, लेकिन अगर शिशु की बात आती है तो आपको झुंझुन याद करना है, यानी 837 है, उसके बाद सीकर का 848, फिर करौली। हाँ, इसमें एक वीडियो लेकर आया हूँ कि सर्वाधिक जनसंख्या है ना भारत की, इसमें से एक किसान आ सकता है, इसलिए मैंने इसका भी इंडिया लेवल का एक पीडीएफ लिए। तो वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है, लगभग 20 करोड़ है, उसके बाद में महाराष्ट्र, फिर बिहार और पश्चिम बंगाल। और एक बात और याद रखना, सबसे ज़्यादा जो जनगणना हुआ बिहार का है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद करना कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले 4 जिले, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। अब यहाँ अगला है फिर सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले, यानी सबसे ज़्यादा साक्षरता किसकी है। तो सबसे ज़्यादा देखो आप सबको पता, कोटा एजुकेशन के मामले में फेमस है, तो इसकी साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा कोटा, फिर उससे कम जयपुर, झुंझुन, सीकर, अलवर। सबसे कम है न्यूनतम साक्षरता दल है जालौर की, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा सिरोही की, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर, यानी जो आदिवासी इलाके हैं उनमें जनसंख्या साक्षरता सबसे कम है। अब पुरुषों की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता किस ज़िले में, तो सबसे ज़्यादा पुरुष है झुंझुनू में। आपको इस प्रकार याद रखना है, जो झुंझुनू ज़िला है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, पुरुष साक्षरता दर है, जबकि ओवरऑल में कोटा है, और सेकेंड नंबर पर क्या जाता है, कोटा।
अब देखते हैं न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले, सबसे कम पुरुषों की साक्षरता दर किसमें है? प्रतापगढ़ में और बांसवाड़ा में। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, देखो ओवरऑल में कोटा महिला में कोटा लेकिन पुरुषों में झुंझुनू है, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता किसकी है? कोटा की, उसके बाद जयपुर झुंझुनू, यानी ओवरऑल जैसे क्रम इसके अंदर है, जैसे कोटा की सबसे ज़्यादा थी, जयपुर की उससे थोड़ी कम थी, फिर झुंझुनू की इससे कमी, इसी प्रकार महिलाओं में भी यही क्रम रहेगा। केवल आपको पुरुषों का ध्यान रखना है, पुरुषों का सबसे ज़्यादा झुंझुनू, फिर कोटा, फिर जयपुर। सबसे कम न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जालौर है, और ओवरऑल में भी जालौर सबसे कम था। अब जो पिछली भर्तियों में आए क्वेश्चन है, 2011 के बाद जो एग्जाम हुए थे राजस्थान में, उनमें जो क्वेश्चन आए थे उनको आपको बताऊंगा कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब सबसे बड़ा। देख पता था आपको जयपुर की सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड राजधानी कौन थी? जोधपुर, अलवर और नागौर। अगला, वर्ष 2011 में निम्नलिखित में कौन से दो जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत है? तो सबसे कम किस्म बीकानेर और नागौर में एसटी के का जो प्रतिशत है सबसे कम है। अगला है, राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई? कब की गई थी? 1981 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना? तो कितना है? 24.90। निम्न में जनसंख्या में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? देखो अगर इसमें जैसलमेर ऑप्शन नहीं है, इसलिए सबसे कम था जैसलमेर था, उससे थोड़ा क्या था? बीकानेर। तो सही, इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? देखो अभी शहर ही आया था, शहर में कितनी है? 24.90। तो 100 में से अगर 24.90 घटाएंगे कितना बचेगा? 75.1%, तो लगभग 75%। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत महिला शिक्षित है? देखो 2011 के अनुसार इसमें ऑप्शन नहीं है, जो पेपर आया था उसमें ऑप्शन नहीं था, इसलिए इस पर स्टार लगा हुआ है। तो महिला साक्षरता दर है 52.1% है। अगला है, राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम, एक सबसे ज्यादा पता था अवरोही क्रम में, यानी जयपुर, देखो जो ऑप्शन है उसी के आधार पे मैं बता रहा हूँ, ओवरऑल नहीं, ओवरऑल का यानी सबसे ज्यादा जयपुर, फिर अजमेर, अलवर और सॉरी दोस्तों कोटा का, फिर अजमेर, गंगानगर और चूरू दूसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन देखो, अलवर, दौसा, अजमेर और चूरू, सब यानी अवरोही क्रम में दो ऑप्शन है, एक और सॉरी दो एक और दो अवरोही क्रम में। फिर सेकंड वाला ऑप्शन देखो एक बार फिर से, देखो राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब है सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऑप्शन के आधार पर बात कर रहा हूँ, यानी पहला ऑप्शन है जिसमें कोटा की सबसे ज़्यादा, उससे कम अजमेर, फिर गंगानगर, चूरू। इसी प्रकार ऑप्शन दो है जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, यानी दोनों ऑप्शन सही है। यहाँ देख सकते हैं इनकी डाटा दे रखा है, देखो कोटा का 374, जयपुर अजमेर का 305, गंगानगर का 179, चूरू 147, जम रहे हैं अवरोही क्रम में। इसी प्रकार सेकेंड वाला ऑप्शन देखो, जयपुर 595, भरतपुर 503, दौसा 476, अलवर 438। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? 66.1%। 2011 में राजस्थान के कौन से जिले में 500 से अधिक जनघनत्व है? तो कौन कौन से है? जयपुर और भरतपुर। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 और 11 के दौरान राजस्थान में कुल जनसंख्या में प्रतिशत 10 की वृद्धि कितनी हुई थी? 21.3%। वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में, यह गलत है क्योंकि सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ है? कोटा में।
और बाकी तीन ऑप्शन सही है, यानी न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर में, सर्वाधिक वृद्धि दर डूंगरपुर में भी, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। अगला, विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत, यानी विश्व की जनसंख्या का कितना, 1%। अगला, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है, कौन से जिले में, जैसलमेर में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी की दृष्टि से निम्न में कौन सा राज्य राजस्थान से बड़ा है, जो ऑप्शन है उसी का आधार पर देखना, यानी महाराष्ट्र राजस्थान से बड़ा है जनसंख्या के अनुसार। निम्न में किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो किसकी है, उदयपुर, ऐसे तो जयपुर की, लेकिन अपने पास जो ऑप्शन है उसके अनुसार उदयपुर की सबसे ज़्यादा है। अगला, कुल आबादी में नगरीय जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत अंश वाला जिला, तो सबसे ज़्यादा किसका, कोटा का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे, अगर आप इसको एक या दो बार देख लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा, मैं गारंटी देता हूँ कि दो क्वेश्चन तो फिक्स है, कोई सी भी एग्जाम हो दो क्वेश्चन तो मिनिमम आते हैं जनसंख्या से संबंधित। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, धन्यवाद।